अध्याय बाईस आलसी आलसी कीचड़ में पड़े हुए पत्थर जैसा है सब कोई उसके कलंक की निंदा करते हैं आलसी मल के टुकड़े जैसा है सब कोई उसे छूकर हाथ झटकारते हैं दुर्ललित संतति दुर्ललित पुत्र पिता का कलंक है और ऐसी पुत्री पिता को हानि पहुंचाती है समझदार पुत्री को उपयुक्त पति मिलेगा किंतु कलंकित पुत्री पिता को दुख देती है निर्लज्ज कन्या अपने पिता और पति का कलंक है दोनों उसका तिरस्कार करते हैं बेमौके की बात शोक के समय संगीत जैसी है कोड़े और दंड हर समय, समय समझदारी की बात है मूर्ख का सुधार असंभव है मूर्ख को शिक्षा देना फूटे घड़े के ठीकरे जोड़ने जैसा है अनसुनी करने वाले से बात करना गहरी नींद से सोने वाले को जगाने जैसा है मूर्ख को समझाना सोने वाले से बातचीत करने जैसा है अंत में वो पूछेगा बात क्या है मृतक के लिए रोग ज्योति से वंचित है मूर्ख के लिए रो वो बुद्धि से वंचित है मृतक के लिए कम रो उसे शांति मिली है किंतु मूर्ख का जीवन मौत से भी बदतर है मृतक के लिए सात दिन तक शोक मनाया जाता है किंतु मूर्ख और नास्तिक के लिए उनके जीवन भर मूर्ख से अधिक बातचीत मत करो और बेसमझ की संगति मत करो उससे सावधान रहो जिससे तुमको मुसीबत ना हो और जब वो अपने कपड़े झटकारता हो तो तुम पर उसका मैल ना पड़े उससे दूर रहो तुमको शांति मिलेगी और उसकी नासमझी से कष्ट नहीं होगा शीशे से भारी क्या होता है क्या उसका नाम मूर्ख नहीं मूर्ख व्यक्ति की अपेक्षा बालू नमक और लोहे का पिंड ढोना सरल है जैसे भवन में कड़ियों का पक्का बंधन भूकंप से ढीला नहीं पड़ता वैसे ही सोच विचार के बाद मन का संकल्प निर्णयात्मक समय पर विचलित नहीं होता जो मन सोच समझ पर दृढ़ हो गया है वह पक्की दीवार पर गचकारी के अलंकरण जैसा है जैसे ऊंची दीवार पर पड़ी कंकड़ियां हवा में नहीं टिक पाती, वैसे ही मूर्खतापूर्ण दुर्बल संकल्प किसी भय के सामने नहीं टिक पाता। मित्रता आंख पर चोट लगने पर आंसू टपकते हैं और हृदय पर चोट लगने पर मित्रता चली जाती है जो पक्षियों पर पत्थर मारता वो उन्हें भगाता है और जो मित्र की निंदा करता वो मित्रता भंग करता है यदि तुमने अपने मित्र के विरुद्ध तलवार खींची है तो चिंता मत करो उससे तुम्हारा संबंध पहले जैसा संभव है यदि तुमने अपने मित्र से कटु बात कही है तो डरो मत मेल मिलाप संभव है किंतु अपमान अहंकार विश्वासघात और कपटपूर्ण आक्रमण के कारण कोई भी मित्र भाग जाएगा अपने मित्र का उसकी दरिद्रता में साथ दो और तुम उसकी समृद्धि के साझेदार बनोगे उसकी विपत्ति में उसके प्रति ईमानदार रहो और तुम उसकी विरासत के साझेदार बनोगे आग से पहले चूल्हे से धुआं निकलता है इसी प्रकार रक्तपात के पहले गाली दी जाती है मुझे अपने मित्र की रक्षा करने में लज्जा का अनुभव नहीं होगा और उसके आने पर मैं उससे नहीं छिप जाऊंगा यदि मुझे उससे हानि उठानी पड़ेगी तो सब सुनने वाले उससे सावधान रहेंगे प्रार्थना कौन मेरे मुंह पर पहरा बैठाएगा और मेरे होठों पर सावधानी की मोहर लगाएगा जिससे मैं उनके द्वारा पाप न करूं और मेरी ज्योहा मेरा विनाश नहीं करे